रायसेन में वाल्मीकि समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शिवपुरी में खुले में शौच के बाद जिन दोनों बच्चों की हत्या की गई उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ मामले को लेकर समाजजनों ने अपना आक्रोश भी जताया। जिनको सिर्फ शौच करने की वजह से उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अगर वह गांव ODF घोषित था तो वह बच्चे बाहर शौच कैसे कर रहे थे? सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है। अगर प्रशासन मुस्तैद रहता तो उस जगह पर वो बच्चे शौच नहीं करते। और अगर वो ODF घोषित है तो वो क्यों है ODF घोषित? ODF घोषित का मतलब ये है कि एक भी बच्चा बाहर या बच्चे से बढ़कर पुरुष भी या महिला भी बाहर शौच नहीं कर सकता। इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीति करी गई है। मेरा आप सभी से वाल्मीकि समाज की ओर से निवेदन है कि दलितों पर जो भी ये अत्याचार हो रहे हैं इसको बंद। मामला सर ये है कि जो हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश एक ग्राम में हाफ क्यूडी में हमारे जो दलित वर्ग के बच्चे थे वाल्मीकि समाज के, एक 10 साल का लड़का था, एक 12 साल की लड़की थी। इन लोगों को आरोपी ने मतलब निर्म हत्या कर दी। उनका दोष सिर्फ इतना था कि वो छोटे छोटे बच्चे एक सड़क किनारे सोच कर रहे थे। सिर्फ इस कृत्य को लेकर उनकी हत्या की गई है। इसके हम पूरा जिला, पूरे अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, वाल्मीकि समाज, अहरवाल समाज, तमाम हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं।